नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और अब इग्नू जेके री रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 सेशन के लिए शुरू हो चुके हैं। अब इसमें जैसे कि मास्टर्स के जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मास्टर्स में अगर आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री लिया है तो आपको पता है कि MHI 1, 2, 3, 5 उन्होंने अपने आप ही आपको सिलेक्ट करके दे दिए थे, और बाकी के जो बचे हुए 3 या 4 सब्जेक्ट हैं वो अब आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन इसमें जो बैचलर्स डिग्री होती है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है ना। बैचलर्स में फर्स्ट ईयर भी होता है, सेकंड ईयर भी होता है और थर्ड ईयर भी होता है। तीनों में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। आप BA जनरल भी हो सकते हैं और BA मेजर भी हो सकते हैं। आप BSc जनरल भी हो सकते हैं, BSc मेजर भी हो सकते हैं, तो इनमें कुछ भी आप जो है हो सकते हैं। तो इसलिए इनमें बैचलर डिग्री जो होती है हमारी ग्रेजुएशन के लिए होती है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। साथ में कई सारे बच्चे जो होते हैं वो पहली बार इग्नू में एडमिशन लेते हैं, तो इसलिए भी उनको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं अगर BA, BCom, BSc के जनरल और मेजर इन सब के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो वीडियो 50 से 60 मिनट तक की हो जाएगी। लेकिन जबकि आप जानते हैं, अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जानते होंगे कि इनके बारे में मैंने 6-7 महीने पहले ही वीडियो बनाई हुई है और सबको डिटेल से बताया हुआ है, BA जनरल के लिए भी, BA मेजर के लिए भी, BCom के लिए भी और BSc के लिए भी। ठीक, तो उन वीडियोस का लिंक जो है मैं इसके चैनल के उसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक कीजिए। जिसमें भी आप अगर BA के सब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट करने हैं आपको, तो BA का लिंक खोलिए और उसमें उस वीडियो को देखिए। अगर BCom का करना है तो BCom का वीडियो लिंक खोलिए, और BSc का करना है तो BSc का वीडियो लिंक खोलिए। BA मेजर और BA जनरल उन दोनों के लिए भी अलग अलग वीडियो है, तो जिसमें भी आपको जो भी आपको सूट लगे या जो भी आपका है उसको आप लिंक को खोलिए और उसमें से आप फिर सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब जो है वो अभी नहीं आया है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता था, तो इसलिए वीडियो बनाकर इसको शेयर करने की जो है ज़रूरत थी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको उसके बाद भी, अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे उन वीडियोस के में कीजिए या फिर इसी वीडियो के नीचे कीजिए। ठीक, एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।